अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ टीवी जे प्रोग्राम द आवाज़ शो में भली कार मां तव्हां जी मेज़बान नूर अली। ऐं जीअं त हर रोज़ मूंसां गॾु महिमान मौजूदु हूंदा आहिनि, मां तव्हां सां मिलाईंदी आहियां तव्हांजे फेवरेट सेलिब्रिटी सां ऐं इन खां अलावा मुख़्तलिफ़ शोबनि सां तालुक़ु रखंदड़ पर्सनैलिटी सां। यकीन अॼु जी सुठी ॻाल्हि जेका अॼु मां सुठी ॻाल्हि करण वारी आहे उहा आहे औरत जे हवाले सां, जेका औरत यानी की फीमेल, फीमेल चवंदा आहियूं असां उन्हनि खे, ऐं इंग्लिश में फीमेल चवंदा आहियूं, सिंधी में असां उन्हनि खे औरत चवंदा आहियूं। ऐं उहा औरत जेका आहे माउ हुजे, भेण हुजे, वाइफ हुजे, या इन खां अलावा खोड़ सारा रिश्ता हूंदा आहिनि, भाभी हुजे, भाणेजी हुजे, भाटी हुजे, काफ़ी खोड़ सारा रिश्ता हूंदा आहिनि। पर औरत जा जेके सेक्रीफाइज़ हूंदा आहिनि उहे तमामु घणा हूंदा आहिनि। इन खां अलावा मां तव्हांखे इहा ॻाल्हि बि ॿुधाईंदी हलां त अॼु जॾहिं मां अचां पई रस्ते में त मां हिकिड़ी औरत खे ॾिठो जेका ट्रॉली ते पंहिंजो सामान खणी वञी रही हुई। त इमेजिन कयो, असां हमेशह अगरि कोई बि कुझु बि कमु करिणो हूंदो आहे त असां फौरन कंहिं मर्द खे घुराईंदा ऐं कंहिं मेल खे घुराईंदा, चवंदा आहियूं की भई हीअ असांखां कमु न थींदो। पर जॾहिं औरत ते कमु अची वेंदो आहे ऐं उहा पाण कमु, यानी की अगरि असां पंहिंजे अंदरूनी शहरनि में ॾिसूं त अंदरूनी शहरनि में जेके लाबार आहिनि उहे औरतूं कंदियूं आहिनि, इन खां अलावा काठियूं जेके आहिनि उहे औरतूं कंदियूं आहिनि। ऐं इन खां अलावा अगरि असां शहर जी ॻाल्हि कयूं त शहर में बि काफ़ी अहिड़ियूं औरतूं आहिनि जेके अलॻि अलॻि डिपार्टमेंट में पंहिंजूं जेके सरगर्मियूं उहे अंजाम ॾियनि पियूं। त उनजे हवाले सां अॼु असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, छो त औरत जेका हूंदी आहे उहा वाकई में तमामु घणी बहादुर हूंदी आहे, ऐं जेका औरत हूंदी आहे उहा सेक्रीफाइस बि तमामु घणा कंदी आहे। जीअं त अॼु मां पाण हिकु औरत आहियां, मां पाण हिकु फीमेल आहियां, त मां ज़ाहिरी ॻाल्हि एज़ अ होस्ट कमु करे रही आहियां। इन खां अलावा मुंहिंजी जेका शेफ़ आहे सहवत, उहा बि हिकु फीमेल आहे, उहा बि पंहिंजी जेको सरगर्मियूं आहिनि उहा सर अंजाम ॾेई रही आहे। इन खां काफ़ी जीअं ॿिया डिपार्टमेंट्स आहिनि, ॿिया बि इलाही उहिदा आहिनि जिन में जेके औरतूं आहिनि उहे कमु करे रहियूं आहिनि। उन्हनि जो एक्सपीरियंस कीअं हूंदो आहे, उन्हनि जे लाइ मुश्किलात केतिरियूं थींदियूं आहिनि, ऐं कीअं उहे अॻिते वधंदियूं आहिनि, ऐं पंहिंजी जुस्तजू खे अञा वधीक कंदियूं आहिनि, जुस्तजू वधीक कंदियूं आहिनि, उन खां बाद में उहे उन ई डिपार्टमेंट में कमु कंदियूं आहिनि। त उहो असां सरवत खां पुछियो त मूंखां वधीक सरवत खे एक्सपीरियंस आहे, छो त शेफ़ जेको हूंदो आहे, शेफ़ त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे ऑल ओवर, यानी की अगरि मेल सां गॾु बीठी आहे त मेल सां गॾु बीठी हूंदी, मां एज़ अ होस्ट आहियां, मां स्टूडियो में बीठी हूंदी आहियां, त कीअं मूंसां जेके गेस्ट हूंदा आहिनि उहे बि मेल्स हूंदा आहिनि। पर ज़ाहिर ॻाल्हि आहे सरवत जेका उते जॾहिं किथे वेंदी हूंदी शेफ़ जे हवाले सां, त उते इर्द गिर्द जेके माण्हू हूंदा या उन्हनि खे कहिड़ा प्रॉब्लम्स थींदा आहिनि इहे बि उन्हनि खां पुछंदा। वरी जॾहिं असांजा गेस्ट ईंदा त अॼु असां औरत जे हवाले ते गेस्ट सां बि ॻाल्हाईंदासीं। सो सरवत, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपके सामने ही नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। और ये ट्रेडिशनल ड्रेस में बिल्कुल, आप ये सिंधी ड्रेस है या बलोची कुछ इस नहीं, इसको सिंधी ड्रेस भी कह सकते हैं हम, लेकिन इस पे जो एम्ब्रॉयडरी बनी है वो बेसिकली हैंड ग्राफ्ट नहीं है। अच्छा, ये मशीन की एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है, ठीक है, ये भी किसी लेडी ने बनाए हैं। हाँ, मैं समझ गई, लग रहा है अम्मी लेके आई है, आपकी अम्मी आने वाली लेके आई है और अम्मी की फरमाइश पे ही मैंने पहनी है। सो सर, जैसे कि मैं कह रही थी आपको कि मेरी मम्मा, जैसे अगर मैं अपनी मम्मा की बात करूं तो मेरी मम्मा भी जो हैं वो मतलब उनका अपना बिजनेस है, उसका ही है, गारमेंट्स का ही है, तो उनको भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप भी एक फीमेल हैं, आप फीमेल भी काम करती हैं, तो जाहिर सी बात है आप जब किसी कहीं पर काम करने जाती होंगी तो क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं आपको? अब मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हमारा जो माशरा है नूर, वो औरतों को अभी तक, हम लोग हालांकि 17वीं सदी में आ गए हैं, मतलब 2017 आ गया है, तो लेकिन अभी भी जो है हम लोगों का जो माशरा है, मर्द हज़रात ख़ास तौर पे औरतों को, औरतों के काम को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, औरतों का एक मुकाम एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो लोग कि औरत घर से बाहर निकले, खासतौर पे उनके अपनी घरेलू खवातीन जो है उनको तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, हालांकि बाहर वालों को शायद थोड़ा बहुत मोटिवेट भी कर देते हैं, हाँ चलो अच्छी बात है तुम्हारा टाइम पास हो जाता होगा, तुम काम कर लेती होगी, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनके घर की अपनी खवातीन घर से बाहर निकले, ठीक है, वो चाहते हैं वो चार दीवारी में कैद रहे, वो इतनी इंडिपेंडेंट ना हो कि वो हमसे आगे निकलने की कोशिश करें, क्योंकि मर्दों को अपनी हार लगती है अगर वो औरतों को काम करते हुए देखते हैं या देखते हैं कि जी हमसे आगे जा रही है। बहुत कम ऐसे मर्द होते हैं, मतलब हमारे खासतौर पे हमारा जो कल्चर है पाकिस्तान में, बहुत कम, मेरे ख्याल में 5% लोग ऐसे होते होंगे जो अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, बेटियों को मोटिवेट करते हैं कि जहाँ नहीं नहीं काम करो, नहीं तुम पढ़ो, नहीं तुम आगे बढ़ना है। हमारे ही होता है कि जी बस हो गए, बस मैट्रिक कर लिए, चलो अब बस तुम्हारी शादी कर देंगे, मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, इंटर, बच्चों को पैदा होते ही जहन में डालना शुरू कर देते हैं कि जी बस अब तुम बड़ी होगी तो तुम्हारी शादी होगी, है ना, खेल भी वो खिलवाते हैं कि गुड़िया गुड्डे का खेल, बस तुम इसकी शादी करो, तो वो बचपन से उनके दिमाग में बिल्ड होता है कि जो हमने अपना पढ़ना है ना लिखना ना, हमारे कोई पढ़ना लिखना है लेकिन करना वही है जो अभी अबू कह रहे हैं, हमें
करनी शादी, उनका ध्यान बन गया ना एक कि जी हमें माशरे में कुछ करना नहीं है, हमने आगे नहीं बढ़ना है। वरना हमारे यहाँ की जो खवातीन खासतौर पर पाकिस्तानी जो आप देखें पायलट भी हैं, पायलट भी हैं। आप अगर मैं उससे नीचे की तरफ आऊँ, ये तो आपने बहुत हाई क्लास बता दिया, अगर मैं उसकी नीचे के ओहदे पे आऊँ तो हमारे पास जो लेडीज हैं वो स्वीपर्स भी हैं, स्वीपर्स जी ठीक है, और वो रोड पे कचरा भी साफ कर रही होती है, ठीक है। तो ये भी हमारी फीमेल्स हैं ना जो काम कर रही, जिनके कम कर रही हुआ है। सो सेवत बहुत अच्छा रहा आपसे टॉपिक डिस्कस करके। सो आज जो है, कल जब आप नहीं आई थी तो हमने बड़ा मिस किया आपको, वैसे आपकी तबीयत सही नहीं, मैं अभी आपको बहुत मिस कर रही थी बिस्तर पे लेट के, नूर अभी क्या कर रही होगी। वैसे आपकी जगह अर्शद महमूद साहब ने ले ली थी, उन्होंने बड़ा अच्छा अंडा बनाया और अंडे की रेसिपी भी बनाई। थैंक यू अर्शद महमूद साहब, आपने बहुत सुना, बहुत अच्छा अंडा बनाया है। हाँ, और मेरी कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी। और उनकी जो मतलब हमारी गेस्ट थी शाहीन, उन्होंने बड़ा अच्छा पराठा बनाया। अच्छा, और वो भी बिना आटे के बड़ा अच्छा पराठा बनाया, बगैर आटे, बगैर सूखे आटे के उन्होंने बड़ा अच्छा पराठा बनाया, तेल लगा के कुछ किया, तेल वेल लगा के बड़ा अच्छा पराठा बनाया। सो वो तो हो गई कल की रेसिपी, तो आज आप क्या बना रही हैं? आज हम बना रहे हैं अंडे आलू का सालन। अंडे आलू का सालन, हाँ जी। हम चिकन भी बना चुके हैं, जो बीफ भी बन गया है, हमारी सब्जियां भी काफी बन गई हैं, तो हमने कहा कुछ अंडा और इसकी भी रेसिपी हम कुछ करें, अंडे और आलू की। तो ये बहुत मजे का सालन होता है, बिल्कुल कोरमे जैसा ही इसका टेस्ट होता है। अगर हम चाहें तो इसको चावल के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ भी हम खा सकते हैं, और रोटी के साथ अगर आप लवर हैं, जैसे तंदूरी नान, तंदूरी शौकीन है मैडम हमारी, तो आप उसके साथ भी बहुत ही मजे का लगता है, अगर आप चाहे तो चावल के साथ बना, रोटी के साथ। तो रेसिपी बता दें ताकि फिर, रेसिपी हमारी नूर ये है कि डेफिनेटली अंडे आलू है तो अंडे और आलू तो दोनों हमें चाहिए। अगर अंडे आलू ना हो तो फिर क्या बनेगी रेसिपी? अच्छा, अंडे नहीं होंगे तो फिर आलू बन जाएंगे, अगर आलू भी ना हो तो फिर अंडे बन जाएंगे। यार अगर दोनों ना हो क्या बनेगा? तो फिर नूर मिर्चों का सालन बना लेते, थोड़ा तेल गर्म करके मिर्चों का सालन भी बन जाएगा। और अगर कुछ भी ना तो आप टमाटर की चटनी के साथ भी रोटी खा लेते हैं, वो बहुत मजे की होती है, वो भी बनना सिखाएंगे। हाँ, बिल्कुल, टमाटर की चटनी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। अभी फिलहाल मैं आपको अंडे आलू की रेसिपी बता देती हूँ जनाब। अंडे आपके हम ले रहे हैं 6 आदद, और हमारे पास जो आलू होंगे वो होंगे 4 आदद, ठीक है। और इसके अलावा जो हम इसमें इंग्रेडिएंट यूज करेंगे वो होंगे हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और नमक हमें हसबे जायका चाहिए होगा, थोड़ा सा कुटा हुआ हमें चाहिए होगा धनिया, धनिया और थोड़ा सा जीरा हमें चाहिए होगा। इसको थोड़ा सा फ्राई करके हम भून के और इसको हम पीस लेंगे। हमें चाहिए होगी 1 अदद प्याज, 1 कप या 1 प्याली जो है हमें दही चाहिए होगा, हरा धनिया हमें चाहिए होगा, हरी मिर्चें चाहिए होंगी, टमाटर हमें चाहिए होंगे इसकी ग्रेवी के लिए। अच्छा, टमाटर और दही जो हम यूज़ करते हैं ना, ये हमें इसकी ग्रेवी चाहिए होती है कि वो थोड़ा ठीक सालन होता है, बिल्कुल सालन होता है। और अगर ज्यादा मेहमान आ जाए तो थोड़ा पानी भी मिला देंगे आप तो चलेगा। वाह यार, ये बड़ी अच्छी बात है। मेहमान देखे, बिल्कुल हंसवे मेहमान, आप डोंगे डालते जाए। एक मेहमान एक डोंगा, एकड़ो मेहमान एकड़ो डोंगो पानी जो खबर ते मने पनी जरे अटो गोलण ले उन में जिका देखची में जे दिगड़ी में बोर्ड पचनो उन में डुबकी आनी पंदी टुमी आनी करे पो अंडो कटनो पंदो या आलू कटनो पंदो। हां तो सर्वत आप ऐसे कह रही है? नहीं नहीं, मैं तो मशवरा दे रही हूं, मैं तो मजाक कर रही थी, डाल मत दीजिएगा खुदा रे। वो ऐसे ही कर ले तो फिर के बोले कि जी वो शेफ आती है सर्वत, उन्होंने हमें कहा था कि डोंगे डालते जाए सालन कैसा है, फिर वो मुझे बुला बुला कहे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हम मजाक कर रहे हैं। बहरहाल जो ग्रेवी होती है वो बिल्कुल नॉर्मली रखी जाएगी, और हमें जो है अंडे इसके लिए सबसे पहले बॉईल करने होंगे, बिल्कुल थिक होना चाहिए, टूटे मतलब ऐसा नहीं हो कि पिलपिले से अंडे हों, इसके लिए बिल्कुल आपकी इसकी जो जर्दी होती है वो बिल्कुल जमी हुई होना चाहिए अंडे आलू के लिए। और अगर आप चाहें जल्दी सालन बनाना तो आलू भी उबाल सकते हैं इसके साथ साथ, अंडों के अंदर आप आलू भी डाल दें तो दोनों साथ ही उबल सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो आप आलू सालन के साथ भी इसको गला सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। सही, तो ये होगी हमारी रेसिपी, ये हमारी रेसिपी हो गई रेसिपी, ये थी वही आसानी रेसिपी। इन खां अलावा सुबह जरे मां स्टूडियो मतलब आप मेकअप रूम में बैठे सर्वत स्टूडियो में पेंजी किचन की तैयारी करे रही, तो उन वाल सर्वत जो ना एकड़ो सॉन्ग गुनगुनाए रही, सो ओ केड़ो सॉन्ग गुनगुनाए रही वो मां जुका वो सर्वत का पता, सर्वत जी जी कौन सा सॉन्ग गुनगुना रही थी जरा बताएं। मैं 2-3 गाने गा रही थी। नहीं, पहले पहले जो गाया था वो बताएं। अच्छा, वो तुझी कावर में आ गुरब घड़ो तुझो प्यार अलाए, चाहूं दो तुझो प्यार अलाए, चाहूं दो तू परदे में भी डाडो ठही दीदार अलाए, चाहूं दो दीदार जबरदस्त।
हिंदी सीख गई है। बिल्कुल आपने सुन लिया मतलब मेरा गाना। हाँ मैंने सुन लिया, मैं बड़ी खुशी हो रही थी कि मेरी स्टूडेंट जो है वो इस काबिल हो गई है कि अब वो सिंधी जो है सिंधी गाना जो का तो गायक शुरू करें। चलो ॾाढो ठही थो मतलब ॾाढो जो अल्फाज आ उन जो जो तलफुज हुयो वो मुझे ॾाढो सुठो लगो तो उन तलफुज के बकायदा सरवत अदायगी दिनी ॾाढो ठही ॾाढो ठही। यस सो यो जो का सो ॾाढो जबरदस्त रहो। ऐसे सरवत उस दिन जो मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था वो आपको याद है? बल्कि मैंने एक सेंटेंस सिखाया था आपको। कौन सा सेंटेंस? निडर ॾाढो निंगो आए। हाँ मुझे याद है, जल्दी बताए जल्दी बताए। डिडर डाडो डिंगो आए। नहीं पापा ना सुधरेंगे। डिडर डाडो डिंगो आए। नहीं डिडर डाडो डिंगो नहीं, डिडर डाडो डिंगो आए। डिडर डाडो डिंगो आए। सही। तो सरवत चुका ने डाडो चुका ना थी चाहिए सके पर डाडो ठही पियो यो तो चाहिए गलत ना सॉन्ग प्रॉपर याद किया तो नहीं है परफॉर्मेंस नहीं लिया। सो वेल सरवत आप जो है वो रेसिपी स्टार्ट कर बल्कि अंडे बॉयल हो रहा है अंडे बॉयल किचन में असांजी किचन में इन खां अलावा सरवत सां जेका चिकचक हले पई ऐं सरवत कर जेकी वर्ड्स चवंदी आहे ऐं यकीन ॾाढा प्यार सां चवंदी आहे छो त जॾहिं उहा चवंदी आहे की मूंखे सिंधी सिखणु यानी सिंधी सिखण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं उन खां बाद में जेको आहे सो ॻाल्हाईंदी आहिनि त मूंखे ॾाढो ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे की यार मतिलबु सरवत कोशिशि करे रही आहे की उहो सिंधी थी ॻाल्हाए। नहीं माशाल्लाह बहुत मीठी ॿोली आहे सिंधी जो, बहुत मीठी ॿोली आहे और बहुत मज़ा आता है क्योंकि हम सिंध में रहते हैं। जैसे मीठी ॿोली आहे न त जो हमारे गेस्ट हैं वो भी इसी तरीक़े से मीठे हैं और अच्छा। वो जो अल्फाज वो जो परफॉर्मेंस देंगी वो भी बहुत मीठी है ठीक है। और वो जिस शहर से बिलोंग करती हैं वो अभी हमारी इंटीरियर सिंध का है अच्छा। तो ठीक है जब आप उनको सुनेंगी तो फिर आपको पता चलेगा कि असांजी सिंधी ॿोली केतिरी मिठी आहे ऐं वाकई में हूअं त असां ॻाल्हाईंदा आहियूं उहा अञा वधीक मिठी पर जॾहिं उहा सुरनि सां परफॉर्मेंस ॾिनी वेंदी आहे त उहा त अञा वधीक छा चवंदा आहिनि छा ॻाल्हि आहे। त बिल्कुलु हींअर टाइम थी आहे ब्रेक जो, नाज़ी वठूं था ब्रेक। ब्रेक खां बाद में तव्हांखे मिलायां था महिमाननि सां। वेलकम बैक नाज़िया असां 57 कयो आहे नेस्ट लेवल डे हार्मोनी ब्यूटी क्रीम। हसीन होना अच्छा लगता है ऐं वाकई में हसीन त हुजणु तमामु घणो ज़रूरी आहे ऐं इन खां अलावा सरवत चुका थो किचन में अंडा बॉइल करे रही आहे ऐं अॼु जेका रेसिपी आहे उहा तमामु घणी इंट्रस्टिंग आहे। इन खां अलावा असां सां गॾु जेके गेस्ट आहिनि अॼु असांजी जेका गेस्ट आहे जीअं मां हाणे ॻाल्हि कई थोरी देरि पहिरियां के सरवत चयो असांजी जेका सिंधी ॿोली आहे उहा तमामु घणी मिठी आहे त वाकई में मिठी आहे ऐं जॾहिं उहा सुरनि ऐं साज़नि सां कोई ॻाईंदो आहे या परफॉर्मेंस ॾींदो आहे त यकीन उहा अञा वधीक घणी मिठी थी वेंदी आहे। सो असां सां गॾु जेका गेस्ट मौजूदु आहे त मां उन्हनि खे दावत ॾींदसि पर मां नालो न खणंदसि जॾहिं तव्हां उनजी आवाज़ु ॿुधंदव त तव्हां पाण ई सम्झी वेंदव त मां कंहिंजो ज़िकिर करे रही हुयसि। प्लीज़ अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, मेरे मौला अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा।
तमाम खूबसूरत आगाज थी वयो जी ने ता एडो आगाज जो का तमाम खूबसूरत कयो मा वही चवा पई के भई असानी सिंधी जका बोली आ वो तमाम घणी मिठी आ पर उन में वे जने 12 ने 5 जो जिक्र अची वने तो पण्या वधिक मिठी बोली थी वेंदी बिल्कुल त माशाल्लाह ता जका सो तमाम सुठो स्टार्ट हो तमाम खूबसूरत स्टार्ट हो ए उन सा गडो गडो सा जका बी गेस्ट मौजूद आ वो सा कद हन वी खा वटी गड आए त मा हे दावत दींदेस सालिहा नौरीन के बिल्कुल ठीक आज नूर बिल्कुल वाकई जैसे आवाज चैनल सिंधी चैनल है ना तो वैसे ही आज नूर का गेटअप भी है और माशाल्लाह बड़ी क्यूट भी लग रही है ऐसा लग रहा है खुशबू आने वाली है अच्छा इसलिए आज मैंने भैसा बड़ा उसी तरीके से किया है क्योंकि ये बारे में बुध मीरपुर खास में मीरपुर खास में मीरपुर खास से आई है तो इसलिए मैंने ड्रेस जो बड़ा ट्रेडिशनल की है स्पेशली नूर के शो के लिए आई है ऐसे ही समझ क्योंकि मैं जब स्पेशल इनके लिए ड्रेस पहन के आ सकती हूँ तो होनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नूर आज के शो की क्या स्पेशलिटी है आपकी आज के शो की स्पेशलिटी ये है कि खुशबू हमारे साथ है बिल्कुल तो आज की स्पेशलिटी ये है क्योंकि नूर अपना क्या कहते हैं खुशबू जो है मैं नूर नूर वो वाली नूर याद आ गई मुझे जो काफी याद अच्छी गई खुशबू जो है मतलब खुशबू से मेरी मुलाकात हुई थी लेकिन व्हाट अ कोइंसिडेंट के हम लोग प्रोग्राम नहीं कर पाए थे और अच्छा जो है मैं मतलब ईद के थर्ड डे ये गेस्ट थी और मैं मतलब नहीं थी यहाँ पे तो मैं जब प्रोग्राम देखी मैंने कहा हाय अल्लाह मैंने खुशबू को मिस कर दिया बिकॉज मैंने जो मां पंहिंजो खुशबू जो हिकड़ो सॉन्ग बुधो बल्कि हिकड़ो कलाम बुधो हुयो कुआ रहमान जे पासे कुआ भगवान जे पासे त उहो मूंखे तमामु घणो पसंदि आहे इन जे करे खुशबू मुंहिंजी फेवरेट आहे जो आवाज़ जेका उहो बि मूंखे तमामु घणो पसंदि आहे इन खां अलावा असांजा जेका जेकी ॾिसंदड़ आहिनि उन्हनि सभिनी खे यकीन जेके बि असांजा व्यूअर्स आहिनि या जेके असांजा लिसनर्स आहिनि जेके असांखे मतिलबु ट्यून करे ऐं पंहिंजो कमु कंदा आहिनि ऐं असांखे रुगो ॿुधंदा आहिनि त उन्हनि जे लाइ बि आहे त इन खां अलावा जे ख़ुशबू खां पुछंदा आहियूं ख़ुशबू खां इंटरव्यू त ॾाढो सुठो वठंदासीं छो त ख़ुशबू माशाल्लाह फ्रेश फ्रेश थी लॻे बचपन से शौक था सिंगिंग का या मतलब किसी को देख के इंस्पिरेशन हासिल मुझे बचपन से शौक था क्योंकि हमारे घर में सिंधी में गाना सिंधी में गाना घर में जो शुरू का वी माहौल मुझसे तो यार उर्दू में बोलो ये है ये बड़ा पक्का हो जाएगा आपके साथ वो उर्दू में बात करेंगी तो लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं बहुत परेशान हो जाएंगे कि भाई आज जो है वो लगता है उर्दू में शो हो रहा है ओके ठीक है नाउ आई एम ट्राइंग कि मैं कुछ समझूं हां आप फेस एक्सप्रेशन से समझ जाए असन जो जो घर आए उन्हें मैं शुरू का वी मतलब खुशबू ताइए कयो ता गले हो दाने ताइए जो असन जो जो घर आ यो माहौल पेला बिल्कुल जी बिल्कुल ओके जैसे कि ना मेरे बाबा साईं जो हैं यूसुफ लगारी वो खुद एक अच्छे पोएट हैं माशाल्लाह हमारे घर में शुरू से ही एक माहौल ऐसा जुड़ा हुआ था सालिया हम इस बात को कंटिन्यू करते हैं लेकिन क्योंकि टाइम हो गया ब्रेक का अच्छा गाने के बारे में कंटिन्यू करना चाहिए जी नाजी हैं टाइम से आप ब्रेक जो बटन था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वेलकम बैक नाज़रीन असां सां तामिन कयो आहे नेस्ले एवरी डे हार्मोनी ब्यूटी क्रीम हसीन होना अच्छा लगता है हसीन महिमान गॾु मूंसां गॾु वेठल आहिनि इन जे करे जो असां अॼु चार ई छोकिरियूं आहियूं वॾी ॻाल्हि आहे न कि जेका होस्ट आहे उहा बि छोकिरी गेस्ट आहे उहा बि छोकिरी ॿी गेस्ट आहे उहा बि वरी जेका असांजी शेफ आहे छोकिरी कई आहे न पनिश की थी तो आज वो स्कूल चला गया पनिशमेंट मिली क्यों इसलिए कि वो कल स्कूल नहीं गया था इसलिए मैंने वैसे लास्ट में यही कहा था कि अगर तुम स्कूल नहीं गए तो अच्छा नहीं होगा सो खुशबू जी असांजी कचहरी हले पई ॻाल्हि खे वरी कंटिन्यू कंदा तव्हां चयो की माशाल्लाह असांजे घर जो माहौल ई अहिड़ो हुयो बिल्कुल बाबा साईं पाण शायर आहिनि जी माशाल्लाह हुन हवाले सां शायरी ऐं मौसीक़ी जो घर में ई कॉन्सेप्ट ठही वियो सो नंढे हूंदे खां मूंखे शौक़ु हुयो इलाही ॾाढो शौक़ु हूंदो हुओ पोइ स्कूल वग़ैरह जा जेके प्रोग्राम थींदा हुया उन्हनि में परफॉर्म्स कंदी हुयसि त इलाही सुठी मोट मिलंदी ऐं ख़ासि करे स्कूल में जॾहिं बि असांजे
को फंक्शन दिनो टीचरों मुखे चवंदी हुई त तू परफॉर्मेंस कर तो आवाज डाडो सुठो आहे एंड नो डाउट माशाल्लाह आवाज अच्छी भी है हां इट मीन दैट आवाज बहुत अच्छी है हां ये है सही घर में एकरे दी मु गुनगुनायो बैठे पांचे मु त बाबा अचानक बुद्धि वरतो त मुखे सड कहीं चे पुटे ना च तो आऊं मरी दीदी दीदी वेस तो मुझे आला छो तो सड शायद कुछ गलत कर मता कावड़े पर ना बाबा मुखे सड के मुखे चई बाबा तो गुनगुनायो पे वो मुखे वरी गुनगुनाय बुधा अच्छा तो मु शर्मा पे मुझे आले छा च वरी भी को मु गुनगुनाय बुधायो जदे मु बाबा के बुधायो तो बाबा चो तुजो आवाज ते ले सुठो आए जे कदे ने ते मेहनत थिए तना वधिक थी सके तो ओ उने खापो मतलब बाबा मुखे चो ते तो के शौक आहे सही त मोचो हां बिल्कुल मुखे शौक आहे सिंगिंग जो त उने डी इकडो होयो कारोकारी जेवाले सा सेमिनार होयो मीरपुर खास में अच्छा सही त उने डी प्रोग्राम होयो उने डी बाबा मुखे इकडो कलाम याद करायो कारोकारी जेवाले सा जको मु जने उते परफॉर्मेंस कयम त फर्स्ट टाइम ओ पेरियो चक्कर होयो पेरियो चक्कर कंफ्यूज हो गया घबरायो पे जदे उते वयम स्टेज ते बैठे बाबा मुझे बिल्कुल सामू बैठो होयो कुर्सी अच्छा वेरी गाल है ना बाबा भी सामू बैठो हो जे सामू बैठो होयो तो मुखे दिल में डप भी थयो पे ले की गया छ की पर जदे मु उते परफॉर्मेंस कई तो यकीन कयो जके ब मानु बैठल होया ना उनन जखिन में लुड़को या वाह एडो दुख मतलब उ गान वाली ना थोड़ो बाराणो आवाज हां वागे मतलब इलाही माण होगा ना हां हां बिल्कुल इलाही माण के तरफा उने दी इलाही मुखे मतलब मोटे सुठी मिले खुशबू इने गाल की कंटिन्यू करना समट कॉल मौजूदा वटा का कॉल हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी के ने किथा कॉल किया आदि गुलाम है दर सऊदी अरब जदे हां जी ता के बलिकार चो था पेंदे शो में ता छा चवण चाहिंदो अरे मेहरबानी है ता चंडला दी खुशबू लगारे सा गानो बुधन चाहिंदा जी जी जरूर केड़ो गानो बुधन चाहिंदो निकावर में कुर्ब घणो तुजो प्यार वाला इच्छा हुनो वाह वाह डाडी सुठी फरमाइश कई है दा यकीन है दाजी फरमाइश असन पूरी करना से वेरी मेहरबानी दाजी कॉल करण जे लाए सो खुशबू ताकि एकड़ी भी गाल बताई ला जेका से कॉलर फरमाइश कई जी जी उन का अलावा से जेका शेफ आ उने जी भी फरमाइश ही आई अच्छा ठीक है थोड़ी देर पे आई गुनगुनाए भी पई शायद ता बुधो हो जी जी मु बुधो तो शेफ जीवन फाइद अच्छा खुशबू एक्सरसाइज करना हो ना ना के खुशबू एक्सरसाइज छो ना करना हो व्हाई बस यही दो अच्छा भले नंडे नंडे पण में रांधी हुंदी कोर्स आई जे मखे भी याद है ठीक है जी मंजिल मंजिल थी वही ए रस्सी सा जंप खाण वारो खोपे खो वारी हां इलाही सारी गेम्स हुने ओ बियो एक पांच सिंधी रांधी टिपे रान खेलंदा हो बिल्कुल टिपे रान सा खेलंदा सा भी खेलंदा हां वाकई में फिर भी रिसोटी वो भी हुंदो हां टापू रान हां बिल्कुल कोर्स सारी आंज के खोपे खो रहा मंजिल मंजिल खुशबू त माइक खड़ो जी बी रांद होंगी बी होंगी बर्फ पानी हाँ बर्फ पानी खेल से सही तो जो रस्सी वाली गेम केतरी खेली हटी पसंद पढ़ाई वगैरह अच्छा केड़ो बुक वणंदा पोएट्री जा जी हां पोएट्री जा पढ़ंदा सही पर समझ में अच्छी वेंदा हां समझ में अच्छी नहीं अगर समझ में आई त केनो सारो उठंदा बाबा का पसंद है अरे वाह उने छोटे बाबा का शायर बाबा जी मना सुई दिए जे गुमी फिरी ठीक है त जी मां ता का पूछा के सिंगर्स जी हवाले सा ठीक है ता जो फेवरेट सिंगर केरा मुझे फेवरेट सिंगर लेडीज में जेंट्स में मतलब बिनिन में मुझे मैडम आपदा परवीन सही तमाम जबरदस्त माशाल्लाह जी हां इन के अलावा जी अगर असन पनी सिंधी गाल क्यों के जी शमन अली मिराली साहबा अहमद मुगला अरशद महमूद साहबा मतलब काफी सिंगर्स आइन उनन मा कोई एक शमन अली मिराली अच्छा वाह वाह गीतन दोशन शाह वाह जबरदस्त अच्छा केरो नवण दो मिला नवण दो सबसे अच्छा लगा सबसे अच्छा ठीक है चलो सही है ये भी तमाम सुटी गाल के आई
सालिया आप कोई सवाल करना चाहेंगी खुशबू से? हाँ, बस मैंने यही पूछा कि ये चाइल्डहुड विश थी या फिर किसी को देख के इंस्पिरेशन? उन्होंने बताया कि क्योंकि इनकी फैमिली, फैमिली में ऐसा था, ये कॉन्सेप्ट बन गया तो उसके बाद, क्योंकि यही एक बात होती है अगर माँ गाल करनी है कि अगर किसी घर में कोई माहौल बना हुआ होता है ना, तो वहाँ पे जो बच्चा होता है वो ऑटोमेटिकली उस माहौल में आ जाता है, क्योंकि वो अच्छा माहौल, अगर बुरा हो तो जाहिर सी बात है उससे वो इंस्पायर ना हो। सही, सही। लेकिन जो लगारी बिरादरी की मैं फर्स्ट लड़की हूँ जो इस फील्ड में, क्योंकि हमारे खानदान में कोई भी सिंगर नहीं। अरे इसके लिए तो वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस। लगारी बरादरी जी गाल कही तो मां पेरी ये छोकरिया जका इन फील्ड में आई हैं, आई मां सुमरो बरादरी जी पेरी छोकरिया जका आते बैठी हैं। इसके लिए तो क्लैपिंग, हां इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए बकायदा। सही, क्योंकि वाकई में खुशबू आपको सिंगिंग करते हुए जब आपको कोई अप्रिशिएट करे या आपकी तारीफ करे, प्रेजिंग हो, तो फिर क्या कैसा फील करती है? बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। अच्छा माइक, बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है और घर से कोई अच्छा लगता है वाकई में कि अप्रिशिएट अगर कोई मानू कोंदा तो ये किने मानू है खुशी थींदी आए जदे जिते परफॉर्मेंस कंदा है मानू जे तरफा इलाही सुठी मोट मिलंदी आए इलाही दिल खुश थींदो आए मतलब डाडी खुशी। ओके, घर से सबसे ज्यादा किसका बहुत ज्यादा कोऑपरेट है? डेफिनेटली बाबा, बाबा का नूर के बाबा से पूरी फैमिली हमारे घर में, जो भी मेरे बाबा और अम्मी सिस्टर सब, मतलब उनका कुछ ऐसा वो नहीं है ना, समटाइम्स होता है कि नारो माइंडेड होते हैं। आपको एक बात बता दूं सोलिया कि अभी जब खुशबू आई है तो इनके बाबा इनके साथ हैं, तो मैं इसलिए समझ गई, मायने जे करे ही संगीम बाबा जे करे ही ता जिद मंजिल पे आई हूं ना, बाबा जो साथ न हो जे तो शायद सिंगर न हो जाए। क्या बात है, ये तमाम किसी का अलग पेरेंट्स है, बाबा के लिए बाबा के लिए बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है और ऐसा होना चाहिए। नूर आपको क्या लगता है कि बच्चे अगर कुछ बनना चाहें तो उनके उनको मना नहीं करना चाहिए? ये सही बात है आपने कि वाकई में अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, इसके अलावा जैसे कि अगर मैं आपको बताती चलूं कि मैं भी सिंधी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और क्योंकि मैं भी सुमरो हूँ बायकास्ट, तो हमारी फैमिलीज में भी इस बात का बहुत ज्यादा इशू होता है, जैसे कि खुशबू ने कहा तो इस चीज का बहुत ज्यादा इशू होता है। लेकिन अगर मैं अपने बैक पे जाऊँ, अगर मैं अपनी बैक सपोर्ट पे जाऊँ तो मुझे जब दूर से ही पता है कौन नजर आता है, मेरी अम्मी नजर आती है। अगर अच्छा। मेरी अम्मी ना होती, अगर मेरी अम्मी मुझे अप्रिशिएट ना करती और मुझे मेरी एबिलिटी को नहीं होता, हाँ वो अगर मेरी एबिलिटी को नहीं पहचानती तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा पहले तो एज ए मैंने एक्टर काम किया, एज ए मॉडल काम किया, उसके बाद मतलब उनको बहुत शौक होता था कि नूर मैं चाहती हूँ तुम होस्टिंग करो, होस्टिंग करो, और मैं कभी भी मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होती थी कि नहीं मैं कैसे करूंगी कैसे करूंगी, ऑनेस्टली मतलब मैं, बट ये कि मम्मा ने सपोर्ट किया तो मम्मा ने सपोर्ट किया, उनको ऐसा लगा कि मेरी बेटी के अंदर ये चीज है तो वो चीज पुशअप करो और एनहेंस होनी चाहिए, ऑन स्क्रीन हो, मीडिया पे आए, लोगों पे, लोगों के सामने आए, तो फिर मतलब मम्मा ने एक अच्छी बात कही कि भाई अगर आप इंडिपेंडेंट बन जाते हैं ना, इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं तो आपको कुछ ना कुछ करना है, करना ठीक है तो आप करें। सही। तो फिर मैंने जो है सोचा कि अच्छा ठीक है मैं कुछ करती हूँ और जब मैं फर्स्ट डे आई ठीक है मैं परेशान हो गई बहुत और कंफ्यूज भी थी, तो ये तो हो गई मेरी बातें। अब आपसे पूछते हैं कि आपने एक्टिंग भी मॉडलिंग भी किया ठीक है, होस्टिंग भी किया, पर एक्टिंग नहीं गई, एक्टिंग नहीं गई, एक्टिंग नहीं, कभी मम्मा नहीं बोलती कि आप एक्टिंग कर सकती हैं? एक्चुअली मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था ना कि भैया की तरफ से परमिशन नहीं कि बस एक्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुम ड्रामे में चली गई या फिर एक्टिंग क्यों नहीं करनी, वो टाइम लिमिट की वजह से, क्योंकि उसमें ड्यूरेशन बहुत ज्यादा देना पड़ता है, मतलब अगर आपको एक्टिंग करनी है या किसी ड्रामे के लिए आपको कास्ट कर लिया गया है तो इट्स मीन दैट आप बिल्कुल भी बिजी हो, बाउंड हो, वहाँ 6 महीने 7 महीने 1 साल भी लग जाता है, क्योंकि मैंने खुद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम किया, कास्टिंग मैंने खुद भी की है, तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि जब अगर आप कास्ट हो जाते हो ना तो इट्स मीन दैट आपकी फैमिली वो नहीं, आपकी फैमिली वो बन जाती है, तो आपको बस वहीं रहना पड़ता है, डे टाइम शूट है, नाइट है, इवनिंग है, कुछ भी है, आपकी तबीयत खराब है, बट आपको जाना ही जाना है वहाँ, तो बस इन सब चीज़ों को भी मद्देनजर रखते हुए मैंने कहा ना बाबा ना मुझे नहीं करना, मैं इसी में। लेकिन एक बात मैं बताऊँ कि जो एक्सपीरियंस एक्टिंग का है वो बड़ा जबरदस्त अच्छा होता है, बहुत ही क्लास का है। नूर आपको किस चीज में ज्यादा मजा आया आज तक? मुझे सबसे ज्यादा जिसमें जिस चीज में मैंने एंजॉय किया वो है एक्टिंग, एक्टिंग है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग शख्सियत को अपने अंदर ढालना होता है ना, होता और परफॉर्मेंस देनी होती है, मतलब आप जो नहीं हो वो आपको वो शो ऑफ कराना होता है, और यही तो एक बड़े एक्टर की बात होती है कि वाकई जब भी तो, और आप अगर नूर इसी वजह से एक्टर हर कोई नहीं बन सकता,
ये तो ऑनेस्टली या त हकीकत आ जी चवंदा आहिनि कि बिना एबिलिटी जे कोई भी माण्हू उहो नथो थी सघे ऐं जीअं त हींअर 12 थियण वारा आहिनि ऐं 12 बजे जेका सो न्यूज़ बुलेटिन थींदी आहे त नाज़रीन मिलंदा न्यूज़ ब्रेक खां पोइ वेलकम बैक नाज़रीन असां सां तावन कयो आहे नेस्ल एवरीडे हार्मोनी ब्यूटी क्रीम ऐं जीअं त ख़ुशबू वेठल आहे ऐं ख़ुशबू सां बि कचहरी हले पई सवालिया सां बि कचहरी हले पई त ख़ुशबू सां असांजी कैमरा जी बैक थी थिए कैमरा जी फ्रंट न थी बिल्कुलु इन जे करे त ख़ुशबू अॼु थोरी लेट थी वई छो त सफ़र करे आई हुई त सफ़र तव्हांजो कीअं रहियो सफ़र सुठो रहियो सफ़र इन जे करे बाबा गॾु हुयो सही तरह सफ़र सुठो गुज़रंदो आहे अच्छा कॾहिं थकन थी आहे मतिलबु त तव्हां किथे विया हुजो ऐं तव्हांजी दिलि न चवंदी हुई की मां परफॉर्मेंस न कंदमि हाणे मां थकिजी पई आहियां ॾाढी हा कॾहिं कॾहिं थींदो आहे जॾहिं को इलाही वॾो सफ़र हूंदो आहे पोइ माण्हू ॿाहिरि आहे थकी बि पवंदो आहे ऐं माशाल्लाह अञा जेका सो तव्हांजी एज बि एतिरी कोन्हे जो जेका सो एॾो वॾो वॾो सफ़र कयो छो त उहे बि ॿार जल्दी जेका आहे तंग थी वेंदा आहिनि मां बि तंग थी वेंदी आहियां ॾाढो जॾहिं ॻोठ वेंदी आहियां ॾाढो तंग थी वेंदी आहे यकी सफ़र खुटे ई न थो वॾो सफ़र घणो हूंदो आहे पोइ ज़ाहिरु माण्हू थकी पवंदो आहे सही त अॼु जेका सो जीअं तव्हांखे मां पुछो त तव्हांजो फेवरेट सिंगर त तव्हांखां पुछो मां ऐं तव्हांखे इहो बि पुछो तव्हांखे कहिड़ो सिंगर न वणंदो आहे त तव्हां चयो न सभु सुठो था ॻाइनि ठीकु आहे पर असां वटि हिकिड़ी गेम आहे तव्हां न चाहींदे चाहींदे बि तव्हांखे पर्ची कढणी पवंदी आहे उन मां जंहिंजो नालो निकितो इहो असांजे तरफ़ा न आहे इहो कुदरती तरफ़ा आहे त जंहिंजो नालो आयो मतिलबु इन जो मतिलबु त उहो सिंगर तव्हांखे पसंदि न आहे ठीकु आहे गेम रेडी आहियो सभिनी जी रिस्पेक्ट आहे इहे जस्ट फॉर फन आहे इहे गेम आहे जस्ट गेम आहे ॿियो कुझु बि न आहे सो मां हीअ बाउल खणा पई ऐं हिनखे मिक्स कयां मां तव्हांखे चीटिंग कई चीटिंग मूंखे पसंदि कोन्हे का ठीकु आहे ऐं हीअ जेको आहे सो ॾिसो हाणे मां ख़ुशबू खणो हिन मां पर्ची हिकिड़ी अखियूं हेॾे होॾे करे थी खणे चीटिंग कोन था कयो बिल्कुलु सही ॾियो मां नालो मां पाण पढ़ंदी हा छो त नालो मतिलबु छो त ख़ुशबू जंहिंजो नालो खयो की मुंहिंजो फेवरेट सिंगर आहे अनफॉर्चुनेटली उनजो ई नालो खयो आहे जेको सिंगर न आहे पसंदि आहे ॾिसो शमन मिराली साहबु ऐं अर्शद महमूद साहब खे बि इहो न हुयो पसंदि जॾहिं त हुननि चयो मुंहिंजो भाउ फेवरेट आहे ऐं सची ॿुधायां तव्हांखे शामन पोइ तव्हां हाणे पर्ची निकिती आहे मां कुझु न बिल्कुलु सुठो सिंगर आहे नो डाउट माशाल्लाह ॾाढो सुठो सिंगर आहे मां कॾहिं इनकार थी कयां हिन ॻाल्हि खां पर तव्हांखे न आहे पसंदि मूंखे वरी बि मां इहा ॻाल्हि कयां गेम आहे हा पर तव्हांखे न आहे पसंदि हलो ही पर्ची आहे भला हा पर ॾिसो इहो हौसलो चइबो आहे इहो आहे हौसलो चइबो आहे वैसे तव्हां पर्ची हिन पर्चीअ लाइ त चओ या शमन अली मिराली साहब लाइ था चओ उन्हनि जे लाइ न थी चए ख़ैर पाकिस्तान आहे पाकिस्तान में पर्ची हलंदी आहे सो हिकिड़ो ॿियो बि नालो कढो उहो हा हिकिड़ो ॿियो बि नालो कढंदो तव्हांखे ख़बर पवंदी जेको तव्हांखे न आहे पसंदि हाणे अखियूं बंदि करे सोचो कहिड़ो न आहे पसंदि कहिड़ो न आहे पसंदि अलाह करे हुनजो नालो निकिरे हलो ठीकु आहे पर्ची निकिरी वई जी ओ बॉडी वरी हुन जो नालो खयो अथई अर्शद महमूद साहब अॼुकल्ह मुंहिंजे प्रोग्राम में उहो गेस्ट हुयो यार ईअं त न कर हाणे कूड़ नथी ॻाल्हायां हीअ तव्हांजे साम्हूं अर्शद महमूद साहब ठीकु आहे नालो लिखियलु आहे हाणे तव्हांखे नए पसंदि सां छा कयूं अर्शद महमूद साहब हिन में मुंहिंजी काई बि ग़लती न आहे ख़ुशबू तव्हांजो नालो कढियो अथव ऐं सॉरी हा मुंहिंजे तरफ़ां तव्हांखे सॉरी हाणे ख़ुशबू गेम आहे बाक़ी सभु सिंगर सुठा आहिनि पंहिंजे हिसाब सां सभई हुननि जे लाइ इज़त आहे अलाह साईं हुननि सभिनी खे ख़ुशि रखे आबाद रखे आमीन 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 अच्छा जीअं तव्हां चयो की तव्हांजो वैसे वाक़ई में ईअं हिकिड़ी गेम आहे जस्ट फॉर फन आहे ऐं आवाज़ त माशाल्लाह सभिनी जो पंहिंजी जॻह ते सुठो आहे त ख़ुशबू जो बि आवाज़ु सुठो आहे त हाणे जॾहिं असां सां गॾु एॾी सुठी आवाज़ु वेठल ई आहे त पोइ ख़ुशबू हींअर तव्हां असांखे कहिड़ो कलाम ॿुधाईंदो उर्दू कलाम जी फरमाइश कई तव्हांखे उर्दू कलाम बिल्कुलु असांजी फेवरेट जेका उहो फरमाइश कंदी आहे तुम्हें दिल लगी भू जान
मानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी
निगाहों में आकर तो देखो। शरबत ने बड़ा एंजॉय किया, सारे ने बड़ा एंजॉय किया। महफिल लूट ली, मैं तो भूल ही गई कि मैं डांस कर रही हूं। शरबत भूल गई कि शरबत ने आज अंडे और आलू बनाए हैं और मैं तो मोहब्बत की राह में निकल पड़ी थी। शरबत कहां तक भूल गई थी यार, ये वापस आ गई आधा घंटा। ये गलत बात है कि वापस आ गई आप, चली जाती हूं मैं पीछे की साइड। एकदम से आपको देखा अंडे आलू याद आ गए, वापस चलो। यार मुझे भी अंडे आलू याद आ गए। आपको बताया था ना सुबह के मैं जी अंडे आलू बनाने वाली हूं, मैं शायद मेरी आंखें अंडे और आलू नहीं सब तो शायद शरबत के मुखे दिसी करे अंडो है आलू याद आयो। इट्स ओके, हां शरबत खैर है, कोई बात नहीं। वैसे मेरी आंखें जो है वो है हेडलाइट पूरी, मुझे पता है इलाही वडी वडी है ना जे करे बहुत जबरदस्त दुआ दी आपने, नजरे बद से बचाया। बिल्कुल ढी सुठी गाल है, वाकई में काफी मानू अड़ा हूं जी हसद या साड़ कह बुरी नजरू तो हुआ ही हूँ मानू। वेल माशाल्लाह सुठा सिंगर आयो, इन अलावा सुठो खाइंदा पींदा भी आयो, मतलब खाइण में मामले में सुठा आयो। लगी न पियो ॾिसी करे बाबा खां पुछो, बाबा भला खुशबू खाईंदी पीअंदी आहे या न? खाईंदी त आहे, जाम खाईंदी आहे, तॾहिं त मोटी आहे, मूंखे चई सघंदो खट्टा नहीं खाना है या कुछ स्पाइसी नहीं खाना है, लेकिन मेरी फेवरेट है बिरयानी, मैं खाती हूँ। अल्लाह जो शुक्र कोई मसलो वगैरह ना थींदो आहे, मतलब प्रोग्राम वगैरह न होंदो आहे त पो खाईंदी आहियां, बाकी जेकरे केना शो होंदो आहे त पो। अच्छा सवालिया, जैसे आपने बिरयानी की बात की तो आप शरबत को देखी किचन में वो क्या कर जी? जरूर जी, तो सवालिया जका सो किचन ना वने पई दिसे भाई त जका सो किचन में। अच्छा शरबत क्या कर रही हैं आप किचन में अभी? बस नूर हमारी रेसिपी रेडी हो गई है, हमारे जो आलू हैं वो गल चुके हैं और अंडे जो हैं हमने हल्के से ऑयल में फ्राई करके रख लिए हैं बाहर। वैसे आलू जल्दी नहीं गल गए आज? हाँ इसलिए जरा बताएं मुझे, वो इसलिए जल्दी निकल गई क्योंकि मैं मोहब्बत की राहों में निकल गई और बाकी तो मतलब वैसे भी मोहब्बत में तो कच्चे आलू भी पके हुए ही लगते हैं ना। शरबत हम खाने वाले यार, मेरे हस्बैंड भी खाने वाले, आप मोहब्बत से खाइएगा आपको पके हुए लगेंगे। अच्छा फिर ठीक है, फिर तो मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत से खाऊंगी ताकि बहुत गले हुए लगे। सो खुशबू तांचो के तांके बिरयानी पसंद आ, इन खान अलावा केड़ी शे तांके पसंद आ खाने में? इन खान अलावा भिंडियो, भिंडी तो मुझे भी फेवरेट है। हां बिल्कुल, भिंडियो केड़ी जो की भाजी में बचे ना या मसाले वाली भिंडियो भी सही जी चाय सुठो लगंदी। अच्छा अच्छा, ता पाण छा सुठो ठाईंदा है? मो एकड़े जकर भिंडियो ठायूं पर आणे वडी वो भी सड़ी वयो ई जो। हां मो एकड़े जक जातो अम्मा घर हुई कोन, अम्मा वारा गोठ व्या होया शादी ते, त घर में आऊं यस बाबा हो एनन जी भेण हुई मुसा गद। अच्छा नूर ने तो पूछ लिए भिंडी पसंद है, मतलब वेजिटेबल में भिंडी पसंद है आपको? नहीं वो अभी एक बात बता रही है कि आपको क्या पसंद है सब्जियों में? मैंने भी भिंडी में भिंडी का, लेकिन अभी खुशबू बता रही है कि इन्होंने भिंडी बनाई लेकिन वो जल गई, वो कैसे जल गई वो भी बता रही है जी। खुशबू जावे चौधरी जी, तो बाबा भिंडियो उठी आयो तो मुखे चई बाबा भिंडियो आंदियो त वाला ठायो, तो भिंडियो आंदियो त आणे पहिले बुधा भिंडियो कटियो के भिंडियो कटियो कोन ना पेरी भिंडियो कटी को पेरी चाचे जो भिंडिन, हां भिंडिन के कटियो सी ठीक है, भिंडियो कटे करे मो को न के पानी में विदो धोण जला। अच्छा पो विदो कटे करे पेरी भिंडियो कटियो सही, यो सस्पेंस क्रिएट कयो दा चो ता खुशबू ये भिंडियो कटियो ना बाद में पानी में विदो, ये टाइम के अब एक नाजी वटों ता ब्रेक, ब्रेक का बाद में पूछूंगा खुशबू का के अगते छाते हो। वेलकम बैक नाज़िया, असां तावन कयो आहे नेस्ले एवरीडे हार्मोनी ब्यूटी क्रीम, हसीन होना अच्छा लगता है जी, हसीन कचहरी हले पई
खुशबू बुधाए पई त उन्हनि भिंडियूं कीअं पचायूं, भिंडियूं धोई करे पोइ उन वरी पाणीअ में विधियूं, पोइ पाणीअ में जॾहिं विधो त भिंडियूं निकितियूं कीअं? छा चइजो, मूं पहिरीं भिंडियूं कटियूं पोइ उनखे वरी पाणी में विधमि, त पाणी में विधमि त उहो सॼियूं हली छा लेस लेस जीअं कोन थींदो आहे ईअं थी वियो सॼियूं ईअं थी वियूं हलियूं, त मूं चयो हाणे हिनखे छा कयां, पोइ मूं छा कयो हुनखे न खणी उस उनखे खणी पोइ मां वरी उस ते सुकाइण लाइ रखियूं ताकी उनजी लिवर ख़तम। अच्छा, ख़ुशबू किसी ने शौक से खाया या नहीं? पहले बने तो सही, अभी तो वो सूखने के लिए धूप में। तो मैंने ना उनके काढ़े में सुकाए छड़ियो, ठीक है, सही काढ़े में कलाक थी वे हो तदे ब ई ओड़े जोड़ी पियो आन। अच्छा, तो हाने छा के बाबा बचण वारो चंदो अन्ना खायो कोंदो, सही पो वरी उने के खाणी मु खाली देगड़ी में कुछ भी कोन विदो, गैस ते रखी फुल बालन दई छडियम, पो उने में विझी छडियम, मुजो मन सुकी वने। हां, सो फुल उने के गैस भी खोले छडियम, पो बहु उमे पयो रात जा 12 थी विया हलिया, पोइ वञी भेंडियूं असांजूं तयार थियूं पर कंहिं खाधियूं कोन। जिदोजहद खां पोइ बि उहे जेके भिंडियूं राति जे 12 बजे ताईं पचूं पर उहे भिंडियूं खाधियूं कंहिं बि न खाधियूं। भिंडी की बात हो रही है, वैसे सरवत हमारी शेफ यहाँ पर बना रही है अंडे आलू का सालन, बहुत मजे का भी मैंने टेस्ट भी किया था ब्रेक टाइम छुपाकर व्यूअर से। अच्छा, और मैं ये पूछ रही थी कि इसकी क्या स्पेशलिटी है और किस तरह से बनाते हैं, अगर बच्चे नहीं खाते हैं अंडे क्योंकि इसमें फुल ऑफ प्रोटीन है, अगर नहीं खाते हैं तो ऐसा क्या होना चाहिए जिसकी वजह से वो खाएं, क्योंकि शो का मतलब ये होता है कि व्यूअर्स को कोई ऐसी टिप्स मिले, कोई ऐसी चीज मिले जिससे उनका भी फायदा हो और उनके घर वालों का भी। बाद में बताओ आपको सालिया, अंडे और आलू तो ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चे ना खाएं, ठीक है, क्योंकि अंडे भी बहुत शौक से बच्चे खाते हैं और स्पेशली आलू। हाँ, हमारे घर में क्योंकि मेरे कजिन्स वगैरह है ना, तो आपको पता है हम लोग जो भी सब्जी बनाते हैं उसमें उनको आलू चाहिए। नूर, आप बच्चों की बात कर रही हैं, मैं अब तक स्टिल मामा को कहती हूँ कोई भी सालन बनाए ना 2-3 पोटैटो तो डाले ही डाले मेरे घर कम अज कम। तो बहुत जबरदस्त। इसके अलावा सालिया, क्योंकि हमारी दूसरी गेम का टाइम हो गया, गेम्स बलून का टाइम हो गया, ठीक है, जो गेम बलून जो टाइम थी हां टाइम के माइकड़ी गाल दंगे आला था जो का सो ही बलून्स लगल इन मा ता के कोई एकरो कलर चॉइस करनो पंदो ना, कलर बलून फोरन का वो जेको न मा निकरंदो वो ता के परफॉर्मेंस देनी पेनी या वो करनो पंदो। अच्छा, वो करनो पंदो, ठीक है, तो तैयार आयो ना? जी हां। हां ठीक है, वैसे माशाल्लाह हौसले वाली छोकरिया, तो असा सा गड बैठी तो वाकई में हौसले वाली छोकरिया, बलून नहीं है मैं फोड़ूंगी। नहीं मैं फोड़ती हूँ, कोई मसला ही नहीं है, मैं फोड़ देती हूँ। अच्छा बताए, बुधायो खुशबू केड़ो कलर ताके? रेड कलर। रेड, व्हाई यू चूज रेड? ता रेड सो बड़ा है ना, वणे तो सुठो आ, वणे तो जी हां। रेड कलर आई केड़ो यार, मतलब अगर मां यार वाह से चिंगे के क्या हो गया। वाह, आपा शबीरा चन्ना अदाकार, उन जा कुछ डायलॉग असांखे ॿुधायो। अमा खेरा थी टिका, अबा खेरा जे सिर जो खैर हुजे। ओए ओए, पूरी पूरी परफॉर्मेंस देणी आहे ने? पूरी परफॉर्मेंस, हां, कुछ मतलब जुमला हुजन। ओ छोकरा हेडा था उन का खिलो भी नहीं थी यार, कूल डाउन रिलैक्स ही। हां समझो ता अमा शबीरा चना, ठीक है, ओके। अरे अबा काडे थो वनी, सुबुह का तो के सदा भी बुद्धि न थो, मुझे पैरन में एडो सूर आच, मुझे जोर ता दे पुट। वाह वाह, खेरा जिसर जो खैर हुजे, केर चवंदो खैरा जिसर जो खैर हुजे, बाकी जबरदस्त। यो पुरानो डायलॉग बहरहाल हो, इलाही सुठी आर्टिस्ट आहे, असां में त नथा करे सघूं, सीनियर आर्टिस्ट बिकॉज मई परफॉर्मेंस नथी थी सघे, छो त उन्हनि जहिड़ो थियण लाइ असांखे काफ़ी टाइम लॻी वेंदो, सॼी गुज़री वेंदी, असां न थी सघंदासीं। सो ख़ुशबू हिन खां ॿियो कलर चॉइस कयो। हाँ बियो भी करनो है, येलो। माइक ते बुधायो केड़ो? फिको। फिको, अच्छा फिको, फिको करे, फिको ए आ ने? हाँ येलो, येलो। सो तावी देने केड की पियो तावी ये आजकल खबर तो छा वो असा थी ना पर्ची जो कमाल सा, मैंने प्रोग्राम में भी पर्ची वाला प्रोग्राम रखे हुआ वो तावी सा, वैसे पर्ची हुआ वाली पर्ची ना, ये वाली पर्ची अक्षय कुमार। होए होए, अक्षय कुमार, वाह वाह, अक्षय कुमार खिलाड़ी उन्हें जो को डायलॉग याद नहीं, नहीं कोई भी डायलॉग किसी भी मूवी का, किसी उन्हें जेडी एक्टिंग करे दिखाओ, उन्हें जेडी मूवी, उन्हें जेडी उन्हें जो को डायलॉग याद दे या उन्हें जो को डांस परफॉर्मेंस जो को स्टेप हुजे। हां
ठीक है चिंता का खुशबू नहीं खुशबू प्रॉपर कहो ना खुशबू चिंता था चिता था चिंता था था यार ये तो ये तक चीटिंग थी भाई ना खुशबू दी करे नहीं मैं तो हेल्प आउट करा रही थी नहीं आप हेल्प नहीं कर रहे ना क्योंकि ये चीटिंग में आ जाएगा सो खुशबू पाड़ा कर दी खुशबू दा की कोई डायलॉग याद हो जाए या इन के अलावा भी का ताकि इयो जो को हियर सवाल है बताओ भी अगर सही तरीके से ता कर इयो भी सही याद ना फिल्म घर तो दिसंदी है ना चले ना कोई मैं फिल्म भी घर दिसंदी है यार हां ना हेलो ठीक है कोई गल है अक्षय कुमार कोई अच्छी बात बताएं आप बहुत अच्छी है और उनकी नेचर बहुत अच्छी है और माशाल्लाह कोई एक चीज कोई एक खास उनकी नेचर अच्छी है थैंक यू सो मच ठीक है और आप अपनी खासियत बताएं अच्छा आप बता दें बताएं कि आपको क्या लगता है कि आपके अंदर ये चीज बहुत अच्छी है और ऐसा लगता है कि ये चीज मुझ में बुरी है जिसकी वजह से लोग मुझसे अवॉइड करते हैं या फिर इरिटेट हो रहे हैं एक खामी बताऊं एक बिल्कुल अच्छा खुशबू टियो गुब्बारो जुकासो वो सही खूबी गुब्बारो फोड़ा ना मुझे खबर पे सो खुशबू कहो हाँ जंप लग गई ना खूबी कहाँ गई साओ साओ हाँ। अच्छा साओ चॉइस के होते साओ छो भला साओ छो भला की यार एक तो सेवन बहुत डरती है मैं ये क्या धमाकों से कर जाती हूँ मैं धमाकों से कर जाती हूँ ये वो वाले धमाके नहीं है दस्ती बम वाले दस्ती बम वाले नहीं है बलून वाले धमाके अल्लाह जको ताई यार छयो के मुखे कावड़ डाटी इंडिया त कावड़ वारो अंदाज करे दिखायो जको ता कावड़ इंदी आए ता कावड़ में कंदा आयो कयो लती जे नगे आ जे आई सचो थी हो ना आन ता के मौको मिलियो आ कावड़ हां कावड़ में छा कर आयो कावड़ में पानी पींदी आए कोन पीछे पानी पी छने ने कावड़ करे दिखायो जको ता कावड़ कंदा आयो त कावड़ में किए कंदा आयो किए कंदी हां कावड़ की गंदा हो वो जेडी मलिंदी है ना पानी अच्छी विंदी है सही सर्वत ऐसे ये समझो के जुकासो सर्वत जुकासो कुछ भाजी सही ने ठाई है ठीक है हण ता कावड़ ती न गाले तब ता सर्वत की किया चोंदो यार आ सुबह का वेट पी के आ मानी जो तो के टाइम तो वरी ब एड़ी ठाए आनी दिनिया जी का वणई को नको लूणा नको मिर्च मीनिंग हां जोड़ दूं आगे से बंदा गुस्से में बोल रहा है तू छा डायो अमानी में ना बूढ़ा ना मिर्च आगे से ये बोलेगा मीनिंग उसका गुस्सा ही खत्म वहां पे मारो कावड़ खत्म की है सो पता है इन्होंने क्या कहा क्या बोला इन्होंने कहा मैं सुबह से वेट कर रही हूँ और हाँ। आपने खाना आप खाना लेके आएंगी और ना उसमें मिर्च है ना उसमें नमक है ये क्या है अच्छा मुझे माफ कर दो अब आपकी बारी आती है क्योंकि मैंने वाकई में खुशबू जा टे बलून थी वह ठीक है आई दुकान से हाँ सवालिया बताएं ये सवालिया के केड़ो बलून अब आप खुद गुब्बारा को चॉइस करेंगे और खुद गुब्बारा फोड़ेंगे क्योंकि मेरे फोड़ने से सर्वत जो है वो चीख रही अच्छा, है मेरे फोड़ने से नहीं चीखेंगी अब ये मुझे लेट्स सी लेट्स सी वो कितना चीख रही है सवालिया क्योंकि आज नूर इसको म्यूट करके फोड़ें आप इसको ताकि आवाज हां जी क्योंकि नूर मैंने भाई व्हाइट चूज की है क्योंकि व्हाइट में अजनूर है माशाल्लाह बहुत प्रीटी लग रही है थैंक यू सो मच रेड एंड व्हाइट लेकिन इसमें जो भी चीज होगी ना तो नूर समझ के उसको करनी होगी इसकी वजह से नहीं 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 मुझे करनी पड़ेगी अच्छा ये कल से लगा हुआ बिकॉज कल इसको किसी ने चॉइस नहीं किया हां जी तो आज देखिए आज इसने किया नूर ठीक है ये गुस्से नूर का 1 2 एंड 3
अदाकारी करे दिखायो। अच्छा आपको भी परफॉर्मेंस देनी है, आप तो हैं परफॉर्मर। अदाकारी किस चीज की? किसी भी बंदर बन के दिखाऊं? आपने सेंटर में जाके नहीं, सेंटर में जाके करनी है। चले आपको एक्टिंग अलाउ नहीं, आज यहाँ करके दिखा दे एक्टिंग। कौन सी अदाकारी? श्रीदेवी बन के दिखा दे ना, श्रीदेवी की थोड़ी सेक्सी। नहीं ना, श्रीदेवी जैसी लगती है ना आपको, थोड़ी स्टाइल प्यारी है माशाल्लाह। स्टाइल थोड़ा आपको बोलने का वैसा है, आप करें। अच्छा मैं क्या बोलूं, सेंटेंस तो दे दे मुझे। मेरे शोले 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 किसी की चांदनी वाला। अच्छा शरबत को बोल दे आई लव यू सरवत। नहीं सरवत आपका लड़का है और आप लड़की हो के लड़के को प्रपोज कर। लड़की हो के लड़के को प्रपोज? नहीं यार, ये मेरा नूर, 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 ये बहुत गलत बात है। देखिए ये गलत बात है, हमेशा लड़का ही लड़की को क्यों प्रपोज करे भाई? लड़की की लड़की भी को भी तो करना चाहिए ना। प्रेम में मुझे लड़का क्यों समझ रही है? ठीक है ओके ओके, खड़े हो जाए आप सेंटर पे दोनों। जी ये हो गया हमारा लड़का और ये हो गई जी हमारी लड़की। और हाँ ना, आप लड़का बने ना भाई। नहीं लड़की होगी, लड़की होगी, प्रपोज कर रही है। उन्होंने एक न्यू चीज इम्प्लीमेंट कर दी है। ठीक है जी ओके, लड़की जो है वो लड़के को प्रपोज करेगी। और कैसे प्रपोज? अरे वो प्रपोज करेगी आपको यार। नहीं लड़का खड़ा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दिल दिल में सोच रही हूँ इसके बारे में कुछ कि यार आई विश के ये मेरा बॉयफ्रेंड होता या मेरा फियांसी होता, या मेरी से शादी हो जाती। नहीं मुझे प्रपोज कैसे करना है? प्रपोज किस लिए? जस्ट फ्रेंडशिप के लिए? नहीं नहीं शादी के लिए। लड़के को मैंने कभी हल्का नहीं लिया। क्यों बोलूंगी आपसे एक परफॉर्मेंस देनी है? ओके जी साइलेंटली ओके क्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फ्री क्यों हो रही हैं मुझसे इतना? एक्चुअली आप मुझे अच्छी लग रही हैं। अच्छा लग रहा है एक्चुअली। अच्छा ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके ओके नाउ कट 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 कैमरा रोल क्यों एक्शन क्यों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जिशान। जिशान एक्चुअली मुझे पता है जिशान नाम की लड़के अच्छे भी बहुत लगते हैं। क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करेंगी? करेंगे? आपसे शक्ल देखी है अपने आपने? हाँ देखिए मेरी शक्ल ऑन एयर में मैं दिखा रही हूँ भाई, कैमरा फोकस करो मुझ पे। बताएं बताएं व्यूवर्स बताएं मेरी शक्ल में क्या बुराई है। अच्छा मैं अपनी अम्मी से पहले बात कर लूँ फिर अम्मी से बात कर लूँ? बट मैं तो आपको पसंद कर रही हूँ ना। तो अम्मी ने मना किया है कि मेरे बगैर पूछे किसी लड़की से बात नहीं करना। क्यों आप अपनी अम्मी की बात इतनी ज्यादा मानते हो? क्या ओके ठीक है, मम्मी डैडी लड़का हूँ। मम्मी डैडी लड़का है आप तो। क्या आपको मैं अच्छी नहीं लगी? नहीं आप अच्छी तो है लेकिन मैं जरा ज्यादा अच्छा हूँ, मॉडल हूँ ना, मॉडलिंग करता हूँ आवाज टीवी के। तो क्या आपको किसी मॉडल से शादी करनी है? नहीं नहीं ना, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी जो होगी ना फैंसी या मेरी होने वाली वाइफ वो होस्ट हो। होस्ट हो ओके, तो आपके लिए मैं होस्ट इनडायरेक्टली मेरे ऊपर है यार। आपके लिए मैं होस्ट बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा चलो फिर ठीक है, आओ अम्मी से मिलाती हूँ। ठीक है अम्मी। वैसे बड़ा अच्छा रहा लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी प्यार का इजहार नहीं था। प्यार का इजहार नहीं था, प्यार का इजहार अब कर देती हूँ। आई लव यू सो मच सॉरी सर्वर जिशान कहने वाली थी। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पे फिर क्यों ना खुशबू साथ है तो बिल्कुल 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 ब्रेक। अच्छा नहीं ओके ब्रेक का टाइम ओके बताइए ब्रेक टाइम से आप ब्रेक नाजी बढ़ोगा ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन जी त असांजी माशाल्लाह कचहरी ॾाढी सुठी हले पई ऐं जीअं त ॾाढी सुठी रही परफॉर्मेंस सरवत जी ऐं जो सालिया जी सालिया ॾाढो सुठो कयो ऐं सरवत बि सो हाणे अब ख़ुशबू से करवाते हैं परफॉर्मेंस क्योंकि अब शबीरा चना का अदाकारी करणी थी तो मैं बन जाती हूँ मां थिया थी नसरीन नाज़ ऐं दुकासो वैसे मूंखे उन्हनि जा डायलॉग्स यादि कोन्हनि पर मां इन्हनि जी सपोर्ट जे लाइ उहा थी वञा ऐं दुकासो ख़ुशबू जेका आहे उहा अमा शबीना चना थींदी सो हलूं था सेंटर ते अब आप हमारी सो मूंखे यादि कोन्हे आपा नसरीन नाज़ जा जेके आहिनि डायलॉग ई तव्हां अॻोड़े वारो जेको डायलॉग चयो हाँ नहीं ये तो बता देना कि है क्या बहु, मुझे बहु, तो मतलब चले ना आपस में एक नाइबर से ठीक है और हम दोनों लड़ने वाले हैं आपस अच्छा ठीक है ठीक है ओके ओके अड़ी तुझा फकीर घुमंदा था वतन तुझे फकीर जो दिमाग खराब थी वो अच्छा अड़ी मुझे फकीरन के सब खबर थई तू छा जानी मुझे फकीरन के ये न समझ मुझा फकीर सब सुजानन खैरा जे सिर जो खैर हुजे हाँ बस साढ़े बस मुखे भी वडी खबर आ तुझे फकीर ए तो खे बा सुजाना तू मुखे घट न समझ मुजा फकीर जे थी वया ना बीहंदे बि कोन हिते ही माई तू त वडी जोर ई माई घट तू बि कोन ई छा चवंदा आहिनि अच्छा ये फकीर कौन था जिसके लिए आप दोनों लड़ रही थी एक्चुअली ये जो उस दिन हमारे साथ गेस्ट थी ईद शो में फर्स्ट डे पर जो हमारी गेस्ट थी हाँ शबीरा चना जो पिंक ड्रेस में ड्रेस में बैठी हुई थी तो वो एक्चुअली उनका एक कैरेक्टर है जिसमें वो बोलती है कि भाई मेरे जो फकीर है ना वो घूम रहे हैं अच्छा ओके हाँ, तो ये उनका डायलॉग है तो ये वो परफॉर्मेंस दे रही थी अच्छा वो हमारे संघ का बड़ा सरमाया है और माशाल्लाह सीनियर जो है वो एक्ट्रेस हैं और माशाल्लाह आप तो होस्टिंग भी करें लोग मतलब उनसे बात करने के लिए तरसते हैं कि वो हमसे बात कर लें ठीक है अगर हीअंर अमा शबीरा चना असांखे ॾिसी रही आहे त मां हुनखे एक्सक्यूज़ कंदा आहियूं सॉरी अगरि काई बि ग़लती थी वई हुजे इहो ख़ुशी होगी बिल्कुलु होगी पर लेकिन उनकी तरह हम लोग नहीं मान सकते उनकी जो परफॉर्मेंस होती है ना तो वो बहुत ही क्लास की होती है हम लोग वहां नहीं पहुंचे यूट्यूब पे देखा भी है मैंने नूर और बाकी लोगों को भी आप बता सकते हैं कि अगर उनको देखना है उनकी उनसे मतलब उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी होती है आपके शोज है वो सारे यूट्यूब पे अपलोड होते हैं तो डेली देखा करें यूट्यूब पे होते हैं और इसके अलावा जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं उनका यहाँ पे शो भी होता हाँ जी, है एंड गीत लाडा और बड़ा माशाल्लाह फेमस शो है हमारा यू कैन कॉल अस और एफवी पेज भी लाइक किया करें हमारा कॉल भी क्या करें लाइव शो में पूछा जैसे करें शो तो टाइम जो है वो चलता रहेगा और किसी के लिए नहीं रुकेगा और सेवन हमारी डिश रेडी है जी बिल्कुल हमारी डिश रेडी हो गई घड़ी रुक जाएगी नहीं रुकेगा डिश बिल्कुल रेडी हो गई है हमने सर्व भी कर दी है और गार्निश भी हो गई है जी बिल्कुल स्क्रीन पे नजर आएगी आपको थोड़ी देर में आ गई जी बिल्कुल आ गई नजर भूख लग रही है सरवत जब भी खाना बनाती मुझे भूख ही लगती है आपने बड़ी जबरदस्त डिश बनाई अंडे और आलू की मेरी आंखों देख के याद आ गया हजारे ॾिसी करे अगर सरवत के जुगा अंडो ऐं आलू यादि ईंदो त मां ईअं ई चवंदो मुंहिंजो अखियूं अंडो कढणा पड़ता है न त साले जो जेका डिश जो है वो बड़ी जबरदस्त लग रही है और खुशबू तांजी वडी मेहरबानी ता असन शो में डाडी सुठी कचाई रही है तांजी भिंडी जो केन हुआ वो छंडी के ना खादी सो लाजी इंशाल्लाह वरी सुभाणे मिलंदासी सुभाणे मां ऐं सरवत ऐं सालिया तव्हां सां गॾु हूंदासीं इनशाला तेसी ताईं असां टिनी खे ॾींदा इजाज़त सुभाणे ताईं अला हाफ़िज़ ऐं वेंदे वेंदे जेको आहे ख़ुशबू खां माणा हिते माणा सही यार जो है कलाम जी फरमाइश कई आहे तव्हांखे इहो ॿुधाईंदा माड़ा
जी भी।